हाय गाइस, मैं हूँ मोमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है थर्सडे और कल है व्यान का बर्थडे। वी आर सो एक्साइटेड और आज बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है बर्थडे रिलेटेड। मुझे बाहर भी जानी है, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, शॉपिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है तो वो सब कुछ करनी है आज। मतलब आज ढेर सारा काम है और आज सारे लोग आने ही वाले हैं। और सुबह सुबह ऑलरेडी एक बर्थडे के लिए गेस्ट आ गए हैं। मैं दिखाती हूँ वो कौन है। सोचिए, आज सुबह सुबह ही आ गई है। मैंने एक्चुअली उसको बुलाया था कि सुबह सुबह, और बाकी सारे लोग जो है ना वो मतलब आज ही आएंगे, लेकिन वो शाम तक आएंगे क्योंकि मुझे बाहर जानी है, मार्केट जानी है। तो मैं विहान को लेके जाना नहीं चाहती थी, तो इसलिए मैंने टिया को कहा कि सुबह सुबह आ जा, ताकि विहान को मैं टिया के पास रख के मैं थोड़ा सा बाहर जा सकूँ। और बॉबी आने वाली है, बॉबी आएगी शाम को, फिर मेरी मम्मी पापा आएंगे रात को, और मेरे सास ससुर जो है ना, मेरे ससुर जी नहीं आने वाले हैं क्योंकि उनका एक शादी का इनविटेशन है, तो वो उनको कल वो अटेंड करना ही होगा तो वो नहीं आ सकते। और मेरे जो सास है ना वो आएंगे, वो आज नहीं आएंगे, वो कल आएंगे। और बर्थडे जो है ना, बर्थडे में हम लोग बहुत सारे लोगों को हमने इन्वाइट नहीं किया है, मतलब एकदम मिनिमम जो मतलब घर के ही मेम्बर्स है बस उनको लेके हम लोग बर्थडे करने वाले हैं। और मैं अभी हूँ किचन में, और किचन में पता है कोई है जो काम कर रहा है। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? मैं मछली काट रहा हूँ। थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे? अभियान के लिए ना कैटफिश लेके आए थे, तो कैटफिश तो ये जिंदा लेके आते हैं, तभी इसको काटना पड़ता है। तो मुझे फिश काटना बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये हमेशा मार्केट से काट के लेके आते हैं। तो मैंने उनको कहा कि फिश काट लो, फिश काट लो। सुबह से बोले हाँ मुझे फिश काटनी है, फिश काटनी है। तो काट लो, काट लो। फिर क्या बोल रहे थे बोलो? सवेरे से मेरे पीछे पड़ा, मछली काटो, मछली काटो। सोचो सोचो मेरा क्या हालत हो रहा है, सोचो आप लोग, सिर्फ सोचो। क्या सोच रहे हैं? मुझसे मछली कटाया जा रहा है। फिर आपका ही ड्यूटी है ना, बाहर से आप काट के लेके आते हैं। ये वाला फिश मजाक कर रहे थे, मजाक ही कर रहे थे, मैं ही काटता। मुझे बोले थे हाँ तुम पतिदेव से, अपने पति से लेके फिश कट, क्या बोल रहे थे, अपने पति से फिश कटवा रहे हो, कैसे हो तुम? सोचो। और ये आज के दिन के लिए छुट्टी लिया है क्योंकि बहुत सारे प्रिपरेशन बाकी है, बहुत सारे तैयारी बाकी है जो नहीं हुआ, मतलब हो ही नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा बिजी थे, तो इसलिए छुट्टी लिया है। और कल के दिन तो ऑफकोर्स छुट्टी तो लेंगे, तो दो दिन के लिए छुट्टी है इनका। तो अभी टाइम है मतलब ऑलमोस्ट 12:15 और अभी तक मैंने खाना नहीं चराया है, तो खाना मुझे चरानी है। फिर ना कुछ कपड़े वॉश करने के लिए डाली है मशीन में, तो उसको भी धूप दिखानी है। फिर मेरा बेड तो शॉर्ट है, और बाकी दोनों बेडरूम का बेडशीट वगैरह ये सब मैंने मतलब निकाल लिया है, बस अब मुझे बेडशीट चरानी है, तो वो भी करनी है, तो वो मैं करूँगी शाम के टाइम करूँगी, आई थिंक अभी पॉसिबल नहीं है। और सुबह सुबह मेरी जो ग्रॉसरी है ना वो आई है, मैंने स्पेंसर से कुछ ग्रॉसरी वगैरह जो भी चाहिए वो मैंने ऑर्डर किया है, तो उसको मैं पहले प्लेस करती हूँ जब तक ये फिश काट ले तब तक। तो सामान मैंने इतना ही ऑर्डर किया, तो दाल ख़त्म हो गए थे दो तरह की, ये है मूंग दाल 500 ग्राम, फिर ये है तुअर दाल मीन्स अरहर की दाल, ये भी 500 ग्राम की है। फिर ये मैंने लिया है डेट्स, ये डेट्स मैं व्यान को देती हूँ, अरेबियन डेट्स। ये डेट्स ना बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब एकदम क्लीन एंड फ्रेश होता है ना, तो ये डेट्स ही मैं व्यान को देती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये। फिर व्यान का फेवरेट रोस्टेड वर्मिसली, इसमें है 100% सूजी नो मैदा, मैं ये चेक करके लेती हूँ, तो ये वर्मिसली है। फिर ये डिश वॉश बार है, दो विम का, एक सर्फ एक्सल है, और फिर एक बड़ा सा डिश वॉश लिक्विड है, इतना बड़ा नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी इतना बड़ा भेज दिया, ठीक है। और फिर ये वाला मूसली, फिर ये वाला मूसली हम लोग लेते हैं डाइट मूसली विदाउट शुगर वाला, ये भियान को भी बहुत ज़्यादा पसंद है।
फिर ये मैंने लिया है इस बार ड्राई फ्रूट मिक्स, इसमें तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स है, क्योंकि पायस बनेगा ना तो उसमें भी डल जाएगा और फिर इसमें मुझे खाने में भी अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पे है फिग, फिर एप्रिकॉट भी है, तो ये मिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए, तो ये मैंने मंगवाया है। और फिर ये दो सैनिटरी पैड्स, बस दैट्स इट। ओके, तो मैंने खाना चढ़ा दिया है। यहाँ पे फिश को कर रही हूँ मैं फ्राई, और यहाँ पे मैंने चावल बिठाया है और दाल मैंने बॉईल कर लिया है, और हस्बैंड जी मुझे हेल्प कर रहे हैं चॉपिंग करने में, तो ये सारे सब्जी जाएगा, तो चॉपिंग कर रहे हैं ये मेरे लिए, थैंक यू। हाँ, और व्यान अभी कर रहा है नाई नाई, मीन्स व्यान इज टेकिंग बाथ, और टिया आज व्यान को बाथ दिला रहा है, वो रहा। और ये जो फिश है ना, ये मैं रात के डिनर के लिए बना के रखूंगी अभी, और दोपहर के लंच के लिए ये वाला फिश बनेगा। और देखिए मेरे सामने ये ऑसम वाला व्यू, पहाड़ों में कैसे बादल छाए हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। तो अभी बजे है देर, और मैंने व्यान को लंच सर्व कर दिया है। मेरा लंच तो रेडी है, बस अभी डिनर के लिए जो ये फिश प्रिपरेशन है ना, वो मैं बना रही हूँ। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग करने, शॉपिंग शॉपिंग। जी हाँ, अभी बट हमारे लिए नहीं, ब्यान के लिए। यस, अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे, तो ब्यान को सुला दिया है ऑलरेडी, और टिया ब्यान के साथ सो रहा है, मतलब सो रही है, और हम लोग जा रहे हैं। मैंने ये वाला मतलब जीन्स पहनी है, जीन्स टॉप, एंड साथ में ये वाला बैग कैरी कर रही हूँ मैं फर्स्ट टाइम। जितना ब्राइट लग रहा है ना, उतना ब्राइट कलर्स का है नहीं। कुछ देर पहले ना बारिश हो रही थी, तो हमने सोचा कि अभी हम लोग निकल ही नहीं पाएंगे। आप देखो आसमान में पूरा बादल छाए हुए हैं, लेकिन अभी बारिश स्टॉप हो गई है, सो हमने सोचा कि चलो काम ख़त्म कर लेते हैं।
मेहमान के लिए एक आउटफिट हमने ले लिया है और अभी हम आए हैं रिलायंस ट्रेंड्स पे शेखत के लिए शॉपिंग करने। शेखत को टी शर्ट चाहिए था, सो वो लेने के लिए हम लोग आए हैं। तो चलिए चूज़ करते हैं अभी। शॉपिंग हुई है, कुछ कुछ इनके हाथों में भी है, कुछ कुछ दिखा। हाँ, तो दोनों की हो रही है शॉपिंग और अभी जा रही हूँ स्पेंसर्स एक ड्रिंक लेने के लिए, कुछ ड्रिंक। सो ड्रिंक्स हमने ले लिया है, कौन सा ले लिया? रसना। हमारा रसना। अभी चलो पार्टी डेकोरेशन टाइप कुछ खरीदनी है। लेट्स गो। सारे कलर्स के बलून्स की वैरायटी है यहाँ पे, जो भी थीम चाहो ना वो ले सकते हो, है ना? पर दुकान वाला ही नहीं है। बहुत सारे कलर्स हैं यहाँ पे, बहुत कुछ है। हम लोग आ गए हैं घर और घर आते ही हमने देखा कि बॉबी भी आ गई है यहाँ पे और सारे लोग यहाँ पे मतलब देख रहे हैं कि हम लोग क्या क्या लाए हैं खरीद के। तो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी और हम लोग मतलब मोमो भी लाए हैं साथ में। तो मोमो मैंने छुपा के यहाँ पे रख दिया ताकि बियान को ना दिखे, वरना बियान भी खाना चाहेगा। और देखिए बॉबी व्यान के लिए एक केक बना के लाया है, लाई है, सॉरी। व्यान केक केक एटा की एटा केक व्यान काटी कोपे। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि व्यान को ये वाला केक कटाया जाए, क्योंकि कल तो ऑलरेडी हमने एक और केक मतलब ऑर्डर किया है, तो वो केक कल शाम को काटेंगे और ये केक हम लोग अभी काटते हैं, क्योंकि 12 बजे तो व्यान जगा हुआ नहीं रहेगा, व्यान सो जाएगा 10:30-11 बजे। ये करो, ये करो।
ना खाओ केक खाओ केक खाओ ना तुम्हें हाथी नहीं खाओ तुम्हें हाथी नहीं खाओ देती हो जवाब। और ये आटा वाला केक है आटे आटा और किससे बना है जैगरी चेरी काजू किशमिश एंड चॉकलेट। ओके तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने शॉपिंग किया है आज। तो क्या क्या किया है वो सब कुछ मैं अभी दिखा देती हूँ क्योंकि विहान पागल हो चुका है उसके गिफ्ट्स को लेके। तो पहले वो खोल ले तो उससे पहले आप लोग देख ही लो। तो पहले तो मैंने दिखाया है ये आप लोगों को, ये है दो तकिया। तो तकियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें, मेरे पास ना ज़्यादा तकिया नहीं है लेकिन जब सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना तब तकिए की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इस बार दो तकिया एक्स्ट्रा लेके आए हैं क्योंकि अभी सारे लोग आएंगे, सारे लोग एक साथ रहेंगे तो लगेगा। और फिर कल के लिए हमने एक्स्ट्रा मतलब डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड डिस्पोजेबल ग्लास लेके आए हैं, तो ये कल हमें चाहिए होगा। तो इसलिए वो हस्बैंड के लिए थोड़ी सी शॉपिंग किया था, तो हस्बैंड के लिए दो टी शर्ट लिया है क्योंकि उनके पास टी शर्ट ज़्यादा नहीं है और टी शर्ट उनको अभी ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये है पहला वाला स्काई ब्लू कलर का, ये हमने लिया है रिलायंस ट्रेंड से, ये एंड दिस वन पेज कलर में, ये उनको मतलब ये उनके ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये तो विहान के लिए कुछ चॉइस लिया है विहान को मतलब बर्थडे पर्पज़ देने के लिए ताकि वो ज़्यादा खुश हो जाए। तो ये कुछ मतलब इसको क्या बोलते हैं कि चूचू टॉय ऐसे बोलते हैं ना, मतलब ये ऐसे साउंड भी करता है। तो ये सारे फिशेस है जो एक्चुअली बियान को नहाना बहुत ज़्यादा पसंद है और बियान के बच्चों में ये सारे चूचू टॉय रहेगा तो बियान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एक तो है उसके पास पैपैक, तो अभी वो पुराना हो गया है तो ये बियान का रिएक्शन अगर आप देखते ना बहुत खुश है। और फिर और दो मतलब टॉयज लेके आई हूँ, वो है ये फार्म एनिमल्स, ये सब मतलब यहाँ पे सारे फॉर्म एनिमल्स है जैसे बिहान के फेवरेट काउ तो ऑफकोर्स चाहिए, फिर पॉपकॉप हॉर्स वगैरह मतलब सारा कुछ है। बहुत अच्छी अच्छी मतलब उस दुकान में बहुत अच्छे अच्छे टॉयज थे बच्चे के। तो ये फिर ये वाला टॉयज लेके आए हैं, तो ये दोनों ना हस्बैंड का चॉइस था, वो फिश वाला मेरा चॉइस था और ये दोनों हस्बैंड का चॉइस है। एक तो ये फार्म एनिमल्स और ये एक है ये ओशन एनिमल्स, ओशन में जो भी सारे मतलब है वो एज अ टॉय यहाँ पे है। okay, अभी मैं दिखा देती हूँ विहान का बर्थडे आउटफिट। तो बर्थडे के लिए हमने ना इस बार सोचा है कि थोड़ा सा सिंपल सा लेंगे क्योंकि लास्ट ईयर हमने थोड़ा सा गॉर्जियस वाला लिया था लेकिन वो ना गर्मी में ज़्यादा पहन नहीं पाया, थोड़ी देर के लिए पहना था फिर मतलब उसको चेंज कराना पड़ा। तो इस बार हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा कूल दिखे एंड मतलब एकदम कैजुअल वाला आउटफिट हो, तो शर्ट लेके आई हूँ हाफ शर्ट, वो भी कॉटन का। ये हमने जस्ट फॉर किड्स से लिया था, आई थिंक जस्ट फॉर किड्स स्टोर से लिया था। तो ये वाला शर्ट हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, एकदम मतलब समर से रिलेटेड है, मतलब कलरफुल है तो अच्छा लगा। और इसके साथ मैचिंग करके हमने ये वाला शॉर्ट्स लिया, दोनों अलग से लिया लेकिन मैच हो गया। तो ये और फिर हम लोग पैंटालूंस गए थे और पैंटालूंस से हमने दो वेस्ट काइंड टी शर्ट टाइप लिया है ऐसे स्लीवलेस, तो ये सारे घर में पहनने के लिए लिया है, ये मतलब दिन के टाइम वो पहनेगा तो इस हिसाब से हमने लिया है। एक तो ये दोनों पैंटालूंस का है। फिर हम लोग गए थे फिर मैं एक टूथब्रश लेके आई हूँ, ये वाला टूथब्रश, कुछ पार्टी डेकोरेशन के आइटम्स, तो हैप्पी बर्थडे तो है ही। तो और जो मतलब मिसिंग था, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वी एंड एच मिसिंग था तो वो हम लोग लेके आए वी एंड एच। एंड ये मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, 30 रुपीज़ करके है एंड अमेजोन पे मुझे मिल रहा था 75 रुपीज़ करके,
तो पता नहीं क्वालिटी कैसा होगा, लेकिन ओवरऑल तो दिखने में सेम ही लग रहा है। तो ये दोनों लेटर में लेके आई हूँ, फिर बलून्स लेके आई हूँ। पता नहीं कैसा दिखेगा ये कॉम्बो। एक तो ये मेटालिक मतलब सिल्वर कलर का, और फिर एक ये बेज में थोड़ा सा प्रिंटेड है इसमें। तो ये दो कॉम्बो का बलून लेके आई हूँ, तो ये फुलाया जाएगा। कैंडल जरूरी है, ये गोल्डन टू लिखा हुआ कैंडल ही हम लोग लेके आए हैं। और फिर केक का ऑर्डर हमने कर दिया है, तो केक कल ही डिलीवरी होगा, तो वो तो आप बर्थडे ब्लॉग में देखेंगे ही। और हमने रात के लिए मतलब इवनिंग टाइम के लिए हमने मतलब होम डिलीवरी वालों को बोल दिया है, तो वही मतलब जो छोटे मोटे फंक्शन में डिलीवरी कर देते हैं। और अभी हम लोग खाएंगे गर्मा गर्म मोमो, और फिर मम्मी पापा आने वाले हैं। मम्मी पापा मतलब अभी 8 बज गए हैं, तो 8:30 बजे मम्मी पापा पहुंच जाएंगे घर, आते आते 9 बज जाएंगे। तो ये देखिए टेस्टी टेस्टी डिलीशियस मोमो। तो ये मोमो अभी हम बयान को छोड़ के हम सब मिलके खाएंगे। सारे लोग टूट पर है, खाओ 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 खाओ, बहुत सारे हैं। व्यान को ये सभी सबसे ज्यादा पसंद आता है। सब व्यान है, सब व्यान है। और व्यान खेलने बैठ गया है सब लेके। काफी डरावना माम है ये। हाँ माम। सो गाइस मम्मी पापा आ गए हैं, यहाँ पे है मम्मी पापा। तो दोनों चेंज कर चुके हैं, ट्रेन से आए थे तो चेंज कर लिया है, अभी बैठ के चाय पी रहे हैं। पापा का चाय पीना फिनिश है, और यहाँ पे बहुत सारे सामान हैं। मेरी ना तुलसी का जो पौधा था ना, वो मर गया है, क्योंकि काफ़ी दिन मैं घर में नहीं थी। तो मम्मी को कहा था एक तुलसी का पौधा ले आने के लिए, तो मम्मी लेके आई है ये। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी तक नहीं देखी है, और एक चीज़ जो मैंने देखी भी है, खाई भी है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो चीज़ है ना, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, दूध का पेड़ा बोल सकते हो। सो ये बहुत सारे मतलब ढेर सारे लेके आए हैं। और ना मैंने सोचा था कि बयान के बर्थडे से पहले मैं जो मतलब मेरा जो हॉल रूम का जो डेकोरेशन है ना, वो मैं फिनिश करूँगी, जो कि नहीं हो पाया, बिकॉज हम लोग थे ही नहीं। और जब हम लोग आए तब शेखत इतना ज़्यादा बिजी था, मतलब शेखत का छुट्टी नहीं था, तो वो भी नहीं हो पाया। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, रहने देते हैं, बर्थडे हो जाने देते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ फॉर श्योर मैं इस रूम को मतलब प्रॉपर डेकोरेट करने वाली हूँ। मतलब एक सीटिंग अरेंजमेंट वही बाकी है, वो करने वाली हूँ, तो वो अगस्त में मैं करूँगी। और हाँ, कल के बर्थडे के लिए आप लोग एक्साइटेड होना, हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं खींचता है, इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म। अभी मुझे डिनर भी बनानी है, ऑल द प्रिपरेशन तो मैंने करके रखी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा काम है। तो इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म। तो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो, और सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अभी बयान बोलेगा बाई से, बाई बाई। और भी हम बहुत ज्यादा खुश है अपने टॉय को लेके। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। चिल्ड्रन टेक केयर एंड बाय बाय।